मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आज की सबसे प्यारी हदीस के साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुबारक जिक्र अजीम भी समझ सकते हैं आप इसको, कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को रिज़्क हलाल से नवाजते हैं और रिज़्क हलाल के ज़राए अल्लाह ताला उनको पेश करते हैं और अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदे का साथ देते हैं। अपने अल्लाह के जो हुक्म रब्बी से ना उम्मीद ना हुआ करें और अल्लाह की नाफरमानी ना किया करें, उसके ऊपर यकीन कामिल रखा करें। इसी के साथ आज जो मैं आपको वजीफा बताने जा रही हूँ बहुत प्यारा है। अगर आपके माल में बरकत नहीं होती, अगर आप उसमें बरकत चाहते हैं, दुकान पे बैठते हैं वहाँ बरकत नहीं, कहीं मुलाजमत करते हैं वहाँ पर आप तंग दिल होते हैं या परेशानी का जो है रवैया वो लोग करते हैं तो वो आपको सहनी पड़ती है, या आपको किसी भी किस्म का मसला है, माल कभी ख़त्म हो जाता है, कभी तंगी आ जाती है, घर में फाके कशी होती है, ये सब मसला हो, माल ये अमल करने से आपका माल कभी ख़त्म ना होगा। आज मैं आपको एक बहुत आसान और बहुत बेहतरीन वजीफा बताऊंगी। इस अमल की इजाज़त सबको है। पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर 11 मरतबा सूरे अल माईदा की आयत नंबर 114 पढ़कर आखिर में दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़कर आसमान की तरफ मुंह करके फूंक मार दें और दिल ही दिल में दुआ मांगे जिस अमल जिस मकसद के लिए अमल किया जा रहा है और आपका हर मकसद पूरा होगा। और पानी के ऊपर दम करें, अपने घर में अपने जहां कारोबार है वहां पर, दुकानें हैं तो दुकानों पे, काम है तो काम पे, अगर किसी के पास मुलाजमत करते हो तो अपने ऊपर चट्टे मारकर तो काम शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही दिनों में आपको फर्क वाजिया नजर आ जाएगा, दस्ते गैब से आपकी मदद की जाएगी अल्लाह पाक की तरफ से और माल में बहुत जबरदस्त बरकत पड़ती है। आप ये अमल जरूर करके देखिएगा। अपनी बहन को इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगर मेरी बात समझ आती है, अगर मेरे वज़ाइफ पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।